अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद समन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गजरेला की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गाजर हमें चाहिए आधा किलो, इसे ग्रेट कर लें। दूध हमें चाहिए 1 लीटर। भीगे हुए चावल हमें चाहिए आधा कप, इसे आप क्रश कर लें। चीनी हमें चाहिए 1 कप। कटे हुए पिस्ता 2 टेबलस्पून। बादाम 2 टेबलस्पून। क्रीम हमें चाहिए आधा कप। छोटी इलायचियाँ हमें चाहिए 5 से 6 अदद। अब एक डेगची में हम दूध शामिल करेंगे। हरी इलायचियाँ शामिल करेंगे। अब दूध को हम गर्म करेंगे। जब दूध गर्म हो जाएगा तो हम इसमें भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। अब हम इसमें ग्रेट की हुई गाजरें शामिल करेंगे। इसे मिक्स करते हैं। दरमियानी आंच पर हम इसे पकने देंगे। ढक्कन ढकते हैं और इसको बॉईल होने देंगे। इसमें बॉईल आ गया है, अब इसे हम मिक्स करते हैं। चीनी शामिल करते हैं। इसे हम 20 से 25 मिनट हल्की आंच पर पकने देंगे और दरमियान में हम इसी तरह चेक करते जाएंगे ताकि ये लगे नहीं। मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं इसमें कटे हुए पिस्ता और बादाम शामिल करूंगी। मिक्स करते हैं इसे। अब ढक्कन ढककर मज़े 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे। जितना गाढ़ा आप रखना चाहें उतना रखें। अब इसमें हम क्रीम शामिल करते हैं। मिक्स करते हैं। गजरेला तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें इसे डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।